नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। स्वर्गीय अतुल शुक्ला की स्मृति में निशुल्क शिविर लगाया गया था, जिसमें 600 आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बनाए गए, जिनका वितरण रविवार को किया गया। प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की शांभवी शुक्ला द्वारा अपने पिता स्वर्गीय अतुल शुक्ला की स्मृति में निःशुल्क शिविर लगाया गया था। इस शिविर के माध्यम से क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बनाए गए थे। रविवार को एक कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को कार्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित कृपा शंकर शुक्ला सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शांभवी शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता की 15वीं पुण्यतिथि पर एक माह पूर्व निःशुल्क शिविर लगाया गया था, जिसमें 600 कार्ड बनाए गए थे, उनका वितरण किया गया। आयोजन किया गया है, किस प्रकार का है? मैंने मेरे पिताजी की स्मृति में निःशुल्क शिविर लगाया था पिछले महीने, जिसमें आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, जीरो बैलेंस खाता और श्रम कार्ड मैंने बनवाए थे, तो आज उसका वितरण हो रहा है। इसमें कितने लोग यहाँ पर आज मौजूद है, कितने कार्ड उपलब्ध कराए हम जब 600 के ऊपर कार्ड बने हैं और हमारे क्षेत्र के लिए 600 के ऊपर कार्ड बने हैं। कौन कौन वरिष्ठ नेता यहाँ पे? मेरे दादाजी पंडित कृपा चंद्र शुक्ला जी, संजय शुक्ला जी, राजीव यादव जी, मेरी मम्मी सोफी यादव शुक्ला जी, बिल्कुल जोशी जी, सब लोग, रीता डागरे जी, हिमानी जी, विधानसभा अध्यक्ष जगदीश जी, ये सब उपस्थित। शांभवी शुक्ला।